करीब 2 लाख की आबादी को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में विफलता को आजसू ने गंभीरता से लिया। अतएव आजसू ने शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केंदुआडी की समस्याओं को लेकर हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से उनकी भावनाओं से संबंधित अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने का काम करेंगे। हम इसे लेकर संघर्ष का मन बना चुके हैं। नगर आजसू के तत्वाधान में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केंदुआडी के समक्ष हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आजसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने उक्त बातें कही। नगर अध्यक्ष जीतू पासवान ने कहा कि इस चिकित्सालय पर निर्भर निगम के 7 वार्डों व सदर प्रखंड के 9 पंचायत के लोगों की भावनाओं को हस्ताक्षर अभियान के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं पाई तो आजसू इसके विरोध सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करेगी। धनबाद नगर निगम कमेटी आजसू पार्टी का हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम की शुरुआत शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केंदुआडी में बदहाली के खिलाफ चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान की अध्यक्षता धनबाद नगर अध्यक्ष जीतू पासवान तथा संचालन केंद्रीय सदस्य रतिलाल महतो ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद जिला अध्यक्ष मंटू महतो उपस्थित हुए। हस्ताक्षर अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित होकर लोगों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होने के कारण उपचार के लिए लोगों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय सदस्य रतिलाल महतो ने कहा कि 10 सूत्री मांग पत्र जिला के सिविल सर्जन धनबाद के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। 10 सूत्री मांगों में स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटा डॉक्टर कंपाउंडर आदि उपलब्ध कराने, 2 केंद्र में 24 घंटा एम्बुलेंस की व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र में बेड की स्थिति अत्यंत दयनीय है उसको बदलकर या नया एवं एक्स्ट्रा बेड की संख्या बढ़ाने, केंद्र में प्रतिदिन जनरल फिजिशियन मेडिसिन सर्जन आर्थो महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करवाने, केंद्र में एक्सरे जांच की सुविधा उपलब्ध कराने, केंद्र में सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध अविलंब कराने, केंद्र में ऑपरेशन थिएटर की आधुनिक व्यवस्था आदि प्रमुख है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत में केंदुआ उप स्वास्थ्य केंद्र में 10 सूत्री मांग पत्र को लेकर हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत किए हैं। हम लोगों ने विगत दिनों भी धनबाद के जिला के जो सर्वे सर्वा हैं, उपायुक्त महोदय और शिक्षा अधीक्षक, शिक्षा प्रभारी को भी, स्वास्थ्य सिविल सर्जन को भी हम लोगों ने चिट्ठी के पत्र के माध्यम से हम लोगों ने सूचना दिया कि उप स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं के लिए विशेष सुविधा नहीं है। जब रात्रि समय में किसी भी अप्रिय घटना 2 लाख की आबादी क्षेत्र में पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन घटना घटने के बावजूद भी जो रात्रि में जब सेवा लेने के लिए आता है तो यहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्सक नदारत रहते हैं, नर्स की कमी है और बिजली की तो एकदम व्यवस्था रात को नहीं हो पाती है। तो यही सब मांगों को लेकर हम लोगों ने आज हस्ताक्षर अभियान चलाएं। अगर हम लोगों के मांग पत्र 10 सूत्री मांग पत्र पर अगर अमल नहीं करता है जिला के मालिक तो हम लोग सड़क से लेकर आंदोलन सदन तक करने के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे। नाम हुआ रतिलाल महतो, आजसू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। तो बिजली व्यवस्था को देखिए, आप लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग आजसू बैनर के तले शहरी सरकारी चिकित्सालय जो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, लगभग हम लोग के ये चिकित्सालय केंद्र 2 लाख आबादी पर है, 3 थाना क्षेत्र का ये चिकित्सालय केंदुआ, पुष्के, लियाबाद और इनके अंतर्गत ओपी जो भी है, ये सारे क्षेत्र का 7 वार्ड इस पर पड़ते हैं। 7 वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 9 पंचायत मुनिडी क्षेत्र के, पुष्के क्षेत्र के 9 पंचायत, लगभग 2 लाख से अभव आबादी का ये स्वास्थ्य केंद्र जो राज्य सरकार द्वारा है, इसमें बहुत सारी कमियां पिछले कई सालों से हम लोग आईसीयू पार्टी के बैनर तले लगातार नियंत्रण हम लोग चला रहे हैं और इससे संबंधित जो लोग हैं, चाहे इसके स्वास्थ्य मंत्री हो या राज्य सरकार के जो भी लोग हैं या नगर आयुक्त, उपायुक्त,
और सारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लगातार हम लोग आग्रह पूर्वक कहते आ रहे हैं कि इसको जो भी कामियां है हम लोग ने 10 सूत्री मांग को लेकर आज हस्तक्षर अभियान एक नारा के साथ में लगाया है। जन जन का नारा है, 2 लाख चिकित्सालय को व्यवस्था दुरुस्त करने का ये नारा है। हम लोग आईसीयू पार्टी के माध्यम से कर हस्तक्षर अभियान आज चला रहे हैं। उसके बावजूद अगर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री या फिर जनप्रतिनिधि लोग या चिकित्सालय प्रबंधक गंभीरता से नहीं लेती है तो हम लोग पुनः आईसीयू पार्टी के बैनर तले यहाँ पर हम लोग भूख हड़ताल पर जाने का भी काम करेंगे। नगर अध्यक्ष जीतू पाल, आज कोरोना काल के बाद से या कोरोना काल के समय से ही जो स्वास्थ्य केंद्रों का हालात है उस स्थिति को झेलने के बाद भी करकेन अवस्थित जो स्वास्थ्य केंद्र है ये लगभग 2 लाख आबादी के बीच का ये उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर स्थापित है, लेकिन इतना बड़ा आबादी उपस्थित होने के बाद भी यहाँ पे चिकित्सकों का 24 घंटा जांच मशीनों का उपलब्धता, दवा के उपलब्धता, ऐसे दर्जनों जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो समस्या से लोग आसपास के लोग या लगभग 2 लाख आबादी परेशान है। आज आजसू पार्टी वो चाहे धनबाद जिला का जन मुद्दा हो, विषय हो, या राज्य स्तर का कोई मुद्दा कोई विषय हो, हमेशा हम लोग हमारे नेता हमारा पार्टी के साथ ही कार्यकर्ता हमेशा उन विषयों को लेकर के उन मुद्दों को लेकर के मुखर रहा है और हमेशा सड़क पे रहा है। आज हम लोग पुनः ऐसे ज्वलंत मुद्दा को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर एक हस्ताक्षर अभियान का हम लोग आज शुरुआत किए हैं। ये पूरे 2 महीना भी ये हस्ताक्षर अभियान लगभग 2 लाख आबादी के बीच में हम अपना ये संदेश इस अस्पताल को लेकर के हम लोग लेकर के जाएंगे और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग सोचे हुए हैं और इन 2 लाख लोगों के बीच में जाकर के उनके भावना को, इन समस्या को अवगत कराते हुए उनके भावना को कलेक्ट करके उनके विचार उनका हस्ताक्षर लेकर के हम लोग जिला स्तर पर जिला के संबंधित पदाधिकारी से हम लोग मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और उसके बाद हम लोग राज्य स्तर पर भी जाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हो, राज्य के हमारे पार्टी के वरिष्ठ बड़े नेता हो, केंद्रीय अध्यक्ष हो, इन लोगों से या हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं विधायक है हमारे पार्टी के, उन लोगों से संपर्क कर आने वाले समय में इन विषयों को लेकर हम लोग विधानसभा तक भी बात रखने का पूरा चेष्टा करेंगे।